लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया शर्मा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज पर्यावरण विभाग की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि बीते एक वर्ष के दौरान पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण शोध, शिक्षण एवं जनजागृति के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। इसके लिए एफको को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। मंत्री वर्मा ने बताया कि प्रदेश के जल संसाधनों, विशेषकर पारंपरिक तालाबों, कुओं और बावड़ियों के संरक्षण की दिशा में इफ्को द्वारा ठोस कदम उठाए गए। जलाशयों का GIS आधारित वेब पोर्टल बनाया गया, जिसमें प्रदेश के 15,000 जलाशयों की जानकारी संकलित की गई। साथ ही मंत्री वर्मा ने कहा कि पिछले एक साल में प्रदेश में 5,840 करोड़ लागत की 5,464 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया गया है। इसी के साथ 308 करोड़ की राशि खर्च कर 683 किलोमीटर सड़कों का मजबूतीकरण किया गया। इसी के साथ 174 करोड़ की लागत से 1,800 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया गया। मंत्री वर्मा ने बताया कि 318 करोड़ की लागत से विभिन्न मार्गों पर 29 वृद्ध पुलों का निर्माण किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक से 3,259 करोड़ ऋण प्राप्त कर 1,905 किलोमीटर के 82 महत्वपूर्ण मार्गों का कार्य कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। योजना है इंदौर भोपाल एक्सप्रेस वे वाली, और वर्तमान में जो हमारा एग्जिस्टिंग सड़क है, यदि केंद्र सरकार सपोर्ट ना करे तो जो हमारा एग्जिस्टिंग रोड है हम उसको उन्नत कर सकते हैं। नई तकनीकी के जरिए हम उसको उन्नत करेंगे, ताकि जो समय योजना हम कर सकते एग्जिस्टिंग रोड से हम कर सकते हैं। फ्लाई ओवर के माध्यम से उस दबाव को कम करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश में 55 रेलवे फाटक हैं। हम चाहते हैं कि 55 ROB बना दें इन 5 वर्षों के अंदर, ताकि पेट्रोल डीजल की वो ना हो, समय की बचत हो। ये कई बातें हैं, कई कई छोटी कनेक्टिविटी कई दूर अंचल के गांव में नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि उनको भी हम जोड़े। मोटी मोटी बात यही। प्रदेश की लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।